CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 7 की ध्वनि शाला में। प्यारे बच्चों, आदाब। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर चमन आरा खां, NCERT नई दिल्ली से। आज हम आपको आपकी 7वीं जमात की किताब अपनी जबान दूसरा सबक कहानी है, जो पंडित सुदर्शन की लिखी हुई है और कहानी का नाम है ऐतबार, उसको पढ़ाएंगे। पंडित सुदर्शन अच्छे लिखने वालों में हैं। उन्होंने बहुत से अफसाने और कहानियाँ लिखी हैं, बहुत सा मकामोज कहानियाँ। तो उन्हीं में से एक कहानी जो है ये ऐतबार के नाम से है। इसमें ये कहानी हिंदी में भी है और आप उन्होंने कई बार उसको सुना भी होगा, और उर्दू में भी। इस कहानी को लेने का मकसद यही था कि बच्चे जो हैं वो ये जाने कि हुस्न अखलाक जो होता है किसी इंसान का, या उसका जो रवैया होता है, वो किस तरह से एक डाकू को भी या एक बुरे इंसान को भी सुधार देता है। तो इसमें कल्हण डाकू है जो धोखे से बाबा भारती जो हैं उनका घोड़ा हासिल कर लेता है, लेकिन बाबा के हुस्न अखलाक से मुतासिर होकर घोड़े को वापस लौटा देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है कि माँ को अपने बेटे और जमींदार को अपने लहलहाते हुए सरसब्ज शादाब खेत देखकर जो खुशी होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती है। ये घोड़ा बहुत खूबसूरत था, उसके मुकाबले का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर बुलाते थे, अपने हाथ से खरेरा करते, अपने हाथ से दाना खिलाते और देख देख कर खुश होते। सुल्तान से जुदाई का ख्याल भी उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उनको वहम हो गया था कि मैं उसके बगैर जिंदा ना रह सकूंगा। वो उसकी चाल पर फरेफ्ता थे, कहते इस तरह चलता है जैसे ताऊस ऊदी ऊदी घटाओं को देख कर नाच रहा हो। गाँव के लोग इस मोहब्बत पर हैरान थे, बाज वक्त कनखियों से इशारे भी करते थे, मगर बाबा भारती को इसकी परवाह ना थी। जब तक शाम को वो सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर ना लगाते, उन्हें चैन ना आता था। कल्हन इस इलाके का मशहूर डाकू था, लोग उसका नाम सुनकर थर्राते थे। होते होते सुल्तान की शोहरत उसके भी कानों तक पहुंची। शौक ने दिल में चुटकी ली। एक दिन दोपहर के वक्त बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके खड़ा हो गया। बाबा भारती ने पूछा, कल्हन क्या हाल है? कल्हन ने सर झुकाकर जवाब दिया, आपकी मेहरबानी है, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की शोहरत खींच लाई, मैंने बड़ी तारीफ सुनी है, अजीब जानवर है, खुश हो जाओगे, उसकी चाल तुम्हारा दिल मोह लेगी, कहते हैं शक्ल भी बड़ी खूबसूरत है। क्या कहने, जो उसे एक दफा देख लेता है उसके दिल पर उसकी सूरत नक्श हो जाती है। मुद्दत से तरस रहा हूँ, आज हाजिर हुआ हूँ। बाबा और कल्हन दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने बड़े गुरूर से घोड़ा दिखाया। कल्हन ने हैरत से घोड़े को देखा। उसने हजारों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा बांका घोड़ा उसकी निगाह से आज तक ना गुजरा था। सोचने लगा, किस्मत की बात है, ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए था। इस फकीर को ऐसी चीजों से क्या निस्बत? इसकी चाल देखकर कल्हन के सीने पर सांप लौट गया। वो डाकू था, उसके पास ताकत थी। उसने कहा, बाबा साहब, इस घोड़े को तो मेरे पास होना चाहिए था, ये कहकर चला गया। बाबा खौफजदा हो गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती थी। सारी सारी रात अस्तबल की खबरगिरी में कटने लगी। हर वक्त कल्हन का खतरा लगा रहता, मगर कई महीने गुजर गए और वो ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती किसी हद तक बेपरवाह हो गए। शाम का वक्त था, बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर सैर को जा रहे थे। यकायक एक तरफ से आवाज़ आई, ओ बाबा, ज़रा एक मोहताज की बात सुनते जाओ। आवाज़ में रिक्कत थी। बाबा ने घोड़ा रोक लिया, देखा तो एक अपाहज दरख्त के साए तले पड़ा करहा रहा था।
बाबा भारती का दिल पसीज गया। बोले, क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? अपाहज ने हाथ बांध कर कहा, बाबा मैं दुखी हूँ, मुझ पर मेहरबानी करो। रामावाला यहाँ से 3 मील के फासले पर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा ने पूछा। दुर्गा दत्त हकीम का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहज को घोड़े पर सवार किया और खुद उसकी लगाम पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। अचानक उन्हें एक झटका सा महसूस हुआ और लगाम हाथ से छूट गई। जब उन्होंने देखा कि एक अपाहज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा उसे दौड़ाए लिए जा रहा है, तो उनकी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। उनके मुंह से चीख निकल गई, ये अपाहज कलहन डाकू था। बाबा भारती कुछ देर खामोश रहे, उसके बाद पूरी कुव्वत से चिल्ला कर कहा, जरा ठहरो। कलहन ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यास से हाथ फेरते हुए बोला, बाबा साहब घोड़ा अपना दूंगा। बाबा भारती ने करीब आकर कहा, ये घोड़ा तुम्हें मुबारक हो, मैं तुम्हें इसकी वापसी के लिए नहीं कहता, मगर कलहन तुमसे एक दरख्वास्त करता हूँ, इसे रद्द ना करना, वरना मेरे दिल को सख्त सदमा पहुँचेगा। बाबा हुक्म दीजिए, मैं आपका गुलाम हूँ, सिर्फ ये घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ ना कहूँगा। मेरी दरख्वास्त सिर्फ ये है कि इस वाक़े का जिक्र ना होने पाए। कलहन का मुँह हैरत से खुला रह गया। उसे ख्याल था कि बाबा भारती इस चोरी की इत्तला पुलिस में देकर उसको गिरफ्तार करा देंगे। वो सोच रहा था कि मुझे इस घोड़े को लेकर रूपोश हो जाना चाहिए। उसने बाबा भारती के चेहरे पर अपनी आंखें गाड़ी और पूछा, बाबा साहब इसमें आपको क्या खतरा है? बाबा भारती ने जवाब दिया, लोगों को अगर इस वाक़े का इल्म हो गया तो वो किसी गरीब पर एतबार ना करेंगे। ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की तरफ से उस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई वास्ता ना था। बाबा भारती तो चले गए, मगर उनका फिकरा कलहन के कानों में अब तक गूंज रहा था। सोचता था बाबा भारती का ख्याल कितना ऊंचा है। अगरचे बाबा साहब को इस घोड़े से इश्क था, मगर आज उनके चेहरे पर जरा मलाल ना था। उन्हें सिर्फ ये ख्याल सता रहा था कि कहीं लोग गरीबों पर एतबार करना ना छोड़ दें। उन्होंने अपने ज़ाती नुकसान को इंसानियत के नुकसान पर कुर्बान कर दिया। ऐसा आदमी आदमी नहीं, फरिश्ता है। रात की तारीकी में कलहन बाबा भारती के घर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे। कलहन सुल्तान की लगाम पकड़े आहिस्ता आहिस्ता अस्तबल के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खुला था, कभी वहाँ बाबा भारती लाठी लेकर पहरा देते थे। कलहन ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसकी जगह पर बांध दिया और बाहर निकलकर दरवाज़ा एहतियात से बंद कर दिया। उस वक्त उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सुबह होते ही बाबा भारती ने अपने कमरे से निकलकर सर्द पानी से गुस्ल किया। उसके बाद उनके पांव अस्तबल की तरफ इस तरह बढ़े जैसे कोई ख्वाब में चल रहा हो, मगर दरवाजे पर पहुंचते ही वो चौंक पड़े। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब घोड़ा वहाँ कहाँ था? घोड़े ने अपने मालिक के कदमों की चाप को पहचान लिया और ज़ोर से हिनहिनाया। बाबा भारती दौड़ते हुए अस्तबल के अंदर चले गए और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस तरह रोने लगे जैसे बिछड़ा हुआ बाप मुद्दत के बाद बेटे से मिलकर रोता है। बार बार उसकी गर्दन पर हाथ फेरते और कहते थे, अब कोई गरीबों की मदद करने से इनकार ना करेगा। सुदर्शन, ये कहानी देखिए आप लोगों ने सुनी। कहानी जो शुरुआत हुई है वो हुई है कि माँ को अपने बेटे और ज़मींदार को अपने लहलाते हुए सरसब्ज शादाब खेत देखकर जो खुशी होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती है। यानी उसको उन्होंने कितने अच्छे अंदाज में लिखा है कि जिस तरह माँ को अपने बेटे को देखकर खुशी होती है, ज़मींदार को अपने लहलाते हुए सरसब्ज खेत को देखकर जो खुशी होती है, वैसी ही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। तो ये कि ज़बान है, कि ज़बान को किस तरीके से उन्होंने जो है अपने अंदाज से उसको लिखा है, मैंने एक तशबीह देकर जो है वो बयान किया है, तो इन सब की वजाहत करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने वजाहत कर दी कि जिस तरह माँ को अपने बेटे को देखकर और ज़मींदार को अपने लहलाते हुए सरसब शादाब खेत देखकर खुशी होती है, वही खुशी जो है किसको होती है, बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर। और घोड़े के बारे में क्या कहते हैं, बड़ा खूबसूरत घोड़ा था, उसके मुकाबले का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था।
और भाभा भारती उसे क्या कहकर बुलाते थे? सुल्तान कहकर बुलाते थे। अपने हाथ से खरेरा करते थे, अपने हाथ से दाना खिलाते थे, देख देख कर खुश होते थे और वो उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और उनको वहम हो गया था कि मैं उसके बगैर, यानी उनको ये वहम हो गया था कि अगर ये नहीं रहा तो मैं भी ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। इतनी मोहब्बत, ये शिद्दत का इजहार है मोहब्बत का, बाबा भारती का अपने घोड़े से मोहब्बत की शिद्दत का इजहार जो है वो है। वो उसकी चाल पर फरेफ्ता थे, आशिक थे उसकी चाल के। तो वो ये कहते थे कि अब इसमें जो लिखा है ना कि ऐसे चलता है उनका घोड़ा जैसे ताऊस, ताऊस कहते हैं मोर को, ऊदी ऊदी घटाओं को, यानी जो ऊदी ऊदी घटाएं होती हैं उनको देखकर नाच रहा हो। तो आपने तसव्वुर कीजिए एक मोर का कि जब वो ऊदी ऊदी घटाओं को देखकर नाचता है। तो उन्होंने अपने घोड़े की जो मुनासबत या जो घोड़े को जो तशबीह दी है वो बताया है कि ऐसे चलता है घोड़ा जैसे ताऊस ऊदी ऊदी घटाओं को देखकर नाचता हो, नाच रहा हो, यानी घोड़ा जो है वो इस अंदाज से चलता है। गांव के लोग भी बहुत उस पर हैरान थे और इशारे भी करते थे कनकियों से बादशाह की, कितनी मोहब्बत है इनको। लेकिन वो सब इस बात की परवाह नहीं करते थे क्योंकि अपने घोड़े से अपने उससे वो उनको बहुत प्यार होता है। सुल्तान को वो बैठ कर 8-10 मील का फासला जो है वो चक्कर नहीं लगाते थे, उन्हें चैन नहीं आता था। अच्छा, उसी इलाके में एक बच्चों एक डाकू था, उसका नाम था कल्हण डाकू और लोग उसके नाम से थर थर काँपते थे। उसकी शोहरत भी जो है वो कानों तक पहुँची, घोड़े की शोहरत। तो उसके उन्होंने भी कहा कि मुझे भी देखना चाहिए कि ये घोड़ा कैसा है बाबा भारती का। तो एक दिन वो पहुंच जाता है, बाबा भारती जी कहता है कि मैं आपकी जो सुल्तान की शोहरत है मुझे यहाँ पे खींच लाइए और मैं इसको जो है बहुत ही अच्छा जानवर है, उसकी चाल की तारीफ मैंने बहुत सुनी है, जैसे मोर नाचता है इस तरह से इसकी चाल है, तो बड़ा खूबसूरत है, कहते हैं कि शक्ल भी बड़ी खूबसूरत है। तो कहते हैं जो उसको देख लेता है उस पर आशिक हो जाता है। तो मैं भी उसकी उसकी बल्कि उसके दिल पर उसकी सूरत नक्श हो जाती है। खूबसूरत चीज़ होती है ना कोई, जब आप उसको देखेंगे तो वो चीज़ आपके दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए कायम हो जाती है और जब भी आप उसको याद करेंगे तो वही मंजर आपके सामने आके है। मुद्दत से तरस रहा हूँ, कहता है कि इसलिए मैं आज आपसे मिलने आया हूँ। तो दोनों बाबा उसको घोड़ा दिखाते हैं अस्तबल में ले जाकर, वो देखता है बड़ा खुश होता है और कहता है चलते वक्त कि घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। अब बाबा बेचारे डर जाते हैं, कहते हैं कि ना पता नहीं क्या होगा उसको, उनको रात भर नींद नहीं आती, वो कहते हैं कि सारी सारी रात वो अस्तबल में जो है ना खबरगिरी में लगे रहते हैं, हर वक्त उनको कल्हण डाकू का खतरा रहता था कि कहीं वो आ ना जाए और आ जाए तो मेरा घोड़ा ना ले जाए। तो लेकिन काफ़ी दिनों तक वो जब नहीं आया तो वो बेपरवाह हो गए। उसके बाद शाम का एक दिन शाम का वक्त था, बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर जैसे कि उनका मामूल था तो बैठकर सवार होके जा रहे थे। एक तरफ से आवाज़ आई तो आवाज़ कहती कि मेरे एक मोहताज की मदद कर दीजिए। बाबा भारती रुक गए, देखा कि एक अपाहज आदमी दरख्त के नीचे जो है उसके साए के तले पड़ा करा रहा है। तो उसके पास गए, उनसे पूछा क्या बात है, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? तो वो बताता है कि मुझे यहाँ 3 मील के फासले पर जाना है, चल नहीं सकता, तो मुझे आप अपने घोड़े पर चढ़ा लो और मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। तो वहाँ तुम्हारा कौन है? वो पूछते हैं तो कहते दुर्गादत्त नाम का हकीम है, मन का सौतेला भाई हूँ। अब वो उसको उन पर तरस आ जाता है उस आदमी पर और उसको बिठा लेते हैं और ख़ुद उसकी लगाम पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगते हैं। अचानक उनको ऐसा झटका सा महसूस होता है, उन लगाम उनके हाथ से छूट जाती है। देखा तो वो घोड़ा पर बैठ कर जो है अपाहज आदमी तन का बैठ जाता है और दौड़ाए लिए जा रहा है। हैरत का ठिकाना नहीं रहता, उनके मुंह से चीख निकल जाती है, वो कहते ये तो कल्हण डाकू था। तो बाबा भारती कुछ देर खामोश रहते हैं, फिर एकदम आवाज़ बड़ी कुव्वत से चिल्ला के कहते हैं ठहरो। तो वो ठहर जाता है, कहते हैं बाबा साहब मैं घोड़ा ना दूंगा। तो कहते हैं नहीं मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, तुम्हें मुबारक हो, लेकिन एक दरख्वास्त करता हूँ वो ये कि इस वाक़े का जिक्र किसी से मत करना। तो कल्हण हैरत से मुँह उसका खुला का खुला रह जाता है कि बाबा भारती ने मैंने उनका घोड़ा इस तरीके से धोखा दे के चुराया और उसके बावजूद वो जो है ना मुझे कहीं गिरफ्तार कराते कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने सब कुछ नहीं किया, पुलिस से गिरफ्तार भी नहीं कराया, मुझे इस घोड़े को लेकर पूछा जाना चाहिए। ना बाबा भारती के चेहरे पर अपनी आँखें गाड़ी और पूछा बाबा साहब इसमें आपको क्या खतरा है, मतलब अगर मैं इस वाक़े का जिक्र भी कर दूंगा किसी से तो आपको क्या खतरा है? तो बाबा भारती कहते हैं अगर इस वाक़े का इल्म हो गया तो लोग गरीबों पर एतबार करना बंद कर देंगे, कोई गरीब की मदद नहीं करेगा। देखा बच्चों इस पर गौर कीजिए कि गरीब की मदद कोई नहीं करेगा अगर आप इस वाक़े का जिक्र, तो बाबा भारती कहते हैं कि अगर आप इस वाक़े का जिक्र कर देंगे तो लोग ये कहेंगे अरे लोग जो बेचारा जेन्युइन आदमी भी होगा जो बेचारा मोहताज भी होगा तो लोग उसकी मदद नहीं करेंगे। तो सुल्तान वो लेके चला गया।
लेकिन अभी तक कलहन के कानों में बाबा भारती का जुमला गूंज रहा था कि एक घोड़ा जिसे वो बहुत ही प्यार करते थे, मैंने उनसे ले लिया, उनके चेहरे पे मैंने मलाल भी नहीं देखा, और बस उन्होंने मुझसे एक बात कही कि आप इस वाक़े का जिक्र किसी से नहीं करना ताकि लोगों गरीबों पर एतमार करना छोड़ देंगे। तो उन्होंने अपने ज़ाती नुकसान, ये देखिए कि कर्ण का जो ज़ाती नुकसान ये था कि भाई उनका घोड़ा चला गया, लेकिन इंसानियत के नुकसान पर कुर्बान कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे इंसानियत ख़त्म हो जाएगी, लोग एक दूसरे पर एतबार करना जो है वो बंद कर देंगे। ऐसा आदमी नहीं फरिश्ता है, ऐसा सोचता है वो कलहन। और उसके बाद फिर रात की तारीकी में जब रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो वो बाबा भारती के घर पहुँचता है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, आसमान पर तारे टिमटिमा रहे हैं, पूरा एक मंजर है। और वो सुल्तान यानी घोड़े की लगाम पकड़ कर आहिस्ता आहिस्ता अस्तबल के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खुला था, वहाँ कलहन ने आके बैठ कर उसकी जगह पर बांध दिया और बाहर निकलकर दरवाज़ा एहतियात से बंद कर दिया। उस वक्त उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मतलब क्यों खुशी के आंसू थे? आप भी जब कोई अच्छा काम करते हैं, अब जैसे वो जो है उसको भी गम ये होता है कि भाई मैंने तो इस घोड़े को जो है बाबा भारती से जो है धोखे से हासिल किया, और अब मैं उसको घोड़े से वो भी बहुत जो है लगाव रखने लगा था, और घोड़ा वो चाहता था कि ये भाई मेरे पास रहना चाहिए घोड़ा। लेकिन फिर भी जब वो ये काम करता है ना, उस वक्त की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। तो सुबह होते ही जब बाबा भारती कमरे से निकलते हैं, सर्द पानी से गुस्ल करते हैं, और गुस्ल करना नहीं नहाना, फिर उनके पाँव जो है अस्तबल की तरफ उठ जाते हैं, लेकिन एकदम उनको ख्याल पहुँचते ही चौंक पड़ते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि अब तो घोड़ा कहाँ, वहाँ वो तो कलहन डाकू लेके चला गया। लेकिन घोड़ा जो है अपने मालिक के कदमों की चाप को पहचान लेता है, जोर से ननाता है। बाबा भारती दौड़ते हुए अस्तबल के अंदर चले जाते हैं और अपने घोड़े से लिपट कर इस तरह रोने लगते हैं जैसे बिछड़ा हुआ बाप मुद्दत के बाद अपने बेटे से मिलकर रोता है। देखा आपने, बिछड़ा हुआ बाप ने कहा, एक बाप जो कि बहुत मुद्दत के बाद अपने बेटे से मिल रहा है। बाबा उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हैं और ये कहते हैं, आप कोई गरीबों की मदद करने से इनकार नहीं करेगा। तो देखा बच्चों, कितनी अच्छी कहानी थी कि इसमें एतबार, तो एतबार किस चीज़ का है कि अगर आप ऐसे धोखा देकर किसी का घोड़ा चुरा के ले जाओ, एतबार करना बंद कर देंगे। तो यही कहानी का जो है वो भी है, मरकजी ख्याल भी है। अब इसमें कुछ लफ्ज़ हैं मुश्किल, वो मैं पढ़ देती हूँ। खरेरा, घोड़े के जिस्म की सफाई के लिए एक तरह का ब्रश, ब्रश होता है उसे खरेरा करते हैं घोड़े एक बार। फरेफ्ता के माने होते हैं आशिक होना। ताउस, मोर। फिर उसके बाद है कनखियों से देखना, नजरें बचा कर देखना। दिल मोह लेना ये मुहावरा है, दिल लुभाना। सूरत नक्श हो जाना, सूरत का दिल में बैठ जाना। अस्तबल, घोड़े बांधने की जगह। बांका, अलवेला, सजीला। निस्बत, ताल्लुक। उदी, गहरे बैंगनी रंग की। सीने पर सांप लौटना, ये भी एक मुहावरा है। हसद करना, किसी की बड़ाई बर्दाश्त ना करना। खबरगिरी, खबर रखना, देखभाल करना। मोहताज, ज़रूरतमंद, हाजतमंद। दिल पसीजना, ये भी एक मुहावरा है। दिल नरम होना, तर्स खाना। अपाहज, जिस्मानी तौर पर माजूर। मुंह खुला रह जाना, ये भी एक मुहावरा है। हैरान रह जाना, ताजुब में पड़ना। रुपोश का मतलब होता है गायब होना। चाप, कदमों की आहट। मलाल का मतलब होता है अफसोस और रंज। आवाज़ में रिक्कत, रोने की सी आवाज़, रुहांसी आवाज़, दर्द भरी आवाज़। तो देखा आपको, ये लफ्ज़ भी हमने बता दिए, कहानी तो मैंने आपको बताई दी और समझा भी दिया आपको जो जो समझाने वाली चीज़ें थी। अब सवाल है, सवाल ये है कि बाबा भारती अब घोड़ा देखकर क्यों खुश होते थे? इसलिए खुश होते थे कि उनका घोड़ा बहुत ही खूबसूरत था, बहुत अच्छा था, और उसकी चाल बहुत अच्छी थी। सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी कि चाल कैसी थी। जैसे ताऊस नाच रहा, उदी घटाओं को देख कर। कलहन कौन था? कलहन एक डाकू था, और इससे खौफ ज़्यादा, क्योंकि डाकू का काम तो लूटना होता है ना, तो वो सबको लूटता था, इसलिए लोग उससे डरते थे कब किसका घर लूट ले। बाबा भारती का घोड़ा देखकर कलहन के सिने पर सांप क्यों लौट गया? उसको जलन महसूस हुई कि इतना अच्छा घोड़ा इनके पास क्यों है, तो मेरे पास होना चाहिए था। तो सांप लौटना, जैसे मैंने सीने पर सांप लौटना महावराज, तो हसद करने लग गया वो। अपाज बन का, बाबा भारती से किसने मदद मांगी? तो वो तो मालूम ही आपको, एक अपाहज ने मदद मांगी थी बाबा भारती ने कहा, और वो अपाहज कौन निकला? कलहन निकला। बाबा भारती ने कलहन से क्या दरख्वास्त की थी? यही की थी कि भाई आप इस वाक़े का जिक्र किसी से ना करना। और ये क्यों कहा उन्होंने? इसलिए कहा क्योंकि अगर आप इस वाक़े का जिक्र किसी से कर देंगे तो लोग जो हैं वो होशियार हो जाएंगे, और वो किसी गरीब पर जो वाकई गरीब होगा उस पर भी मदद नहीं करेंगे, तो कि लोग उस पर एतबार करना बंद कर देंगे गरीबों पर।
कलहन ने क्या सोचकर, कलहन ने सोचा, उसको थोड़ा सा लगा कि बाबा भारती ने तो अपने जाती नुकसान को छोड़कर इंसानियत के फ़ायदे को वो किया। तो इंसानियत का फ़ायदा क्या है? वो यही है कि उन्होंने कहा है कि भाई तुम ये घोड़ा ले जाते हो, ले जाओ, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन इस वाक़े का जिक्र मत करना किसी से, बस जिक्र करोगे तो लोग एतबार करना बंद कर देंगे, गरीबों को कोई मदद नहीं करेगा। अपने घोड़े को वापस पाकर बाबा भारती ने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि बार बार वो अपने घोड़े को प्यार करते जाते थे और कहते जाते थे अब कोई गरीबों पर एतबार करना नहीं छोड़ेगा। तो कितनी बड़ी बात है, कोई भी हो, किसी का एतबार जो है अगर एक बार ख़त्म हो जाए ना तो फिर वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह से गरीबों पर से अगर एतबार उठ जाता तो उनको कहाँ लोग गरीबों की मदद करते। इसी तरह से इसमें कुछ सही गलत पर जुमले हैं। कलहन अपने इलाके का शरीफ इंसान था, कि ये सही है? नहीं, एक डाकू था, तो ये गलत का निशान लगाइए। जो भी बाबा के घोड़े को एक बार देख लेता उसके दिल पर उसकी सूरत नक्श हो जाती, ये सही है। बाबा भारती का घोड़ा इस तरह चलता था जैसे ताऊस उदी उदी घटाओं को देखकर नाच रहा हो, बिल्कुल सही है, सही का निशान लगाइए। एक अपाहज दरद के साए तले पड़ा आराम कर रहा था, ये भी इसमें भी एक अपाहज पड़ा था लेकिन आराम नहीं कर रहा था, बैठा हुआ था इंतज़ार में, तो उस पर भी आप वो देखिए उसको कहानी के हिसाब से। लोगों को अगर इस वाक़े का इल्म हो गया तो गरीब पर एतबार करने लगेंगे? नहीं, वाक़े का इल्म हो गया तो गरीब पर एतबार नहीं करेंगे, तो ये गलत है। बाबा भारती को हर वक्त कलहन का खतरा लगा रहता था, ये सही है, हर वक्त वो जो है वो परेशान रहते थे कहीं कलहन जो है मेरे घोड़े को ना ले जाए। घोड़े ने अपने मालिक के कदमों की चाप को नहीं पहचाना, नहीं उसने पहचाना था तो ये सही है। फिर नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो लफ्ज़ क्या है? फरेख्ता, फिर है खौफ, मेहरबानी, किस्मत, बेपरवाह, दरख्वास्त, खुब्बत, एहतियात। तो इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल आपको अपने जुमलों में करना है। अब ऐसे में अमली काम दिया गया है जैसे खौफजदा, खबरगिरी, बेपरवाह, रूपोश, ये मुरक्कब अल्फाज हैं। मुरक्कब से मुराद ऐसे अल्फाज, ऐसे लफ्ज़ हैं जिसमें एक से ज़्यादा लफ्ज़ मिल गए हों या मिला दिए गए हों कि उनसे एक ही माने लिए जाएं। इस तरह आप भी 5 नए लफ्ज़ बनाइए। तो जिस तरह से ये खौफजदा है, हैरत ज़दा बना सकते हैं, खबरगिरी है, बेपरवाह, लापरवाह, तो इस तरह के बहुत से लफ्ज़ जो हैं आप 5 नए लफ्ज़ बना लीजिए। अब गौर कीजिए और लिखिए, तो आपको लिखने का काम है। इसमें बाबा भारती है, दिल्ली है, गंगा है, लड़का है, घोड़ा है, दरिया है, रोशनी है, खुशी है, गुस्सा है। तो जो पहले 3 नाम हैं, बाबा भारती, दिल्ली और गंगा, तो ये इसमें ख़ास हैं, ख़ास लोगों के नाम हैं, इनको इसमें मारफा कहते हैं। इसी तरह दूसरी किस्म के नाम जो हैं, जैसे लड़का है, घोड़ा है, दरिया है, ये कोई भी लड़का हो सकता है, कोई भी लड़की हो सकती है, कोई भी घोड़ा हो सकता है, इसमें इसको इसमें आम कहते हैं या इसमें नकरा कहते हैं। तीसरी किस्म के नाम जो हैं वो किसी ख़ास हालत या कैफियत को जाहिर कहते हैं, ये इसमें कैफियत कहलाता है, जिसमें है रोशनी, खुशी और गुस्सा। आप भी तीनों किस्मों के इस्म तीन तीन सोच कर लिखिए, तो आपको भी तीन तीन सोच कर इसको लिखना है। अब गौर करने की बात है सबक की, वो ये है कि एक तो पंडित सुदर्शन जो है उनके के मशहूर अफसाना निगार थे, और दूसरे उनके दिलचस्प और समाकामोज कहानियाँ लिखी हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया। उनका अंदाज़ बयान भी बहुत अच्छा है, ज़बान व बयान भी बहुत साफ़ सुथरा, बहुत ऐसा है कि समझ में आ जाए। दूसरे ये कि कलहन डाकू बाबा भारती के घोड़े को धोखे से तो हासिल कर लेता है, लेकिन वो बाबा भारती के उसने अखलाक से मुतासर होकर घोड़े को लौटा देता है। हमें ये गौर करना चाहिए कि अच्छे किरदार के असर से बुरे लोग भी मुतासर हो जाते हैं और वो अच्छा अमल करने की कोशिश करने लगते हैं, जैसा कि इस कहानी में कलहन डाकू ने घोड़े को वापस किया और उसने बाबा भारती के किरदार से वो मुतासर हुआ। अब आप इसमें बाबा भारती का किरदार आपको कैसा लगा, इस पे चंद एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। इसी तरह कलहन डाकू जो है उसके बारे में भी आप लिखिए कि आपकी क्या राय है, कलहन डाकू ने जो बाद में काम किया वो अच्छा किया या नहीं किया, अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या वो अच्छा होता या नहीं होता। तो इस तरह से इस कहानी को पढ़ने के बाद आप लोगों को यही इसमें से इसमें जो मरकज़ी ख्याल निकल कर आता है वो यही आता है कि अच्छे किरदार के असर से बुरे लोग भी अच्छे हो जाते हैं। तो इस मरकज़ी ख्याल को भी अपने लफ्ज़ों में आप लिखिए
और दूसरी चीज़ ये कि एतबार जो इस कहानी का उन्वान है, तो आप ये सोचिए इस कहानी का उन्वान एतबार ठीक है या नहीं, या कोई और दूसरा उन्वान हो सकता है। तो बच्चों, मैं समझती हूँ आपको ये सबक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और आप में इसमें सबक को किस तरह से पढ़ा जाए, पढ़ के कैसे समझा जाए, कैसे सवालात किए जाएं, और क्या क्या अमली काम है, वो सब आपको बताया गया है। आप सब उनको कीजिएगा और इस कहानी को अपने लफ्ज़ों में लिखिएगा। इस कहानी का कौन सा किरदार आपको ज़्यादा अच्छा लगा? तो किरदार तो दो ही हैं, कलन डाकू है और अपने बाबा भारती हैं, लेकिन आपको घोड़ा कैसा लगा, घोड़े के बारे में भी आप अपनी राय लिख सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इन सब कामों को आप ज़रूर कीजिएगा। मैं समझती हूँ कि आप सब इस सबक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वन्यांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।